उत्तर मुंबई में कांग्रेस को अगर कोई जीवंत रखने का काम कर रहा है तो वह है सुभाष यादव। दरअसल सुभाष यादव लगातार अपने ब्लॉक में समाज सेवा और सामाजिक कार्य करते रहते हैं। उत्तर मुंबई में एक बार फिर से ब्लॉक क्रमांक 26 में मुंबई कांग्रेस की तरफ से सुभाष यादव ने शानदार मुफ्त आंखों की जांच और मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन का एक कैंप रखा, जिसमें करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। सबसे खासियत यह रही कि भारी बरसात के बावजूद भी यहाँ तमाम लोग लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी आँखों का जाँच करवाए, और काफ़ी लोग ऐसे रहे जिनकी आँखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना अति आवश्यक है। सुभाष यादव के नेतृत्व में यह कैंप चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए, जिनका बहुत जल्द मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन उत्तर मुंबई में जिस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम सुभाष यादव कर रहे हैं, ऐसे में सभी लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस को एक नई दिशा, और कांग्रेस ने जिस तरह से अपना स्लोगन दिया है कि मोहब्बत की दुकान, तो ऐसे ही मोहब्बत की दुकान लगातार सभी नेताओं को, सभी समाज सेवकों को खोलनी चाहिए, जिसमें आम जनमानस का भला हो, आम जनमानस की के लिए कुछ काम किए जाएं। तो क्या कुछ कहती है तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। इसके पहले आपको यह भी सुनाते हैं कि सुभाष यादव ने क्या कुछ कहा और मोतियाबिंद और आंखों की जांच कराने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं हमारी मुंबई अध्यक्ष श्रीमती वर्षा ताई गायकवाड़ जी को अभिनंदन करना चाहता हूं, और जिला अध्यक्ष कालू भाई बुधड़े जी का, कि जिन्होंने आज नफरत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान हमने खोलने का जो एक संकल्प किया था, उसका एक सूत्र लेते हुए हमने वार्ड क्रमांक 26 के अंदर सिंह शेड 0 नंबर से लेकर आज़ादवाड़ी, दामोनगर, बारिका रामा कंपाउंड, महिंद्रा कंपाउंड, भीमनगर, गौतम नगर तक लोगों को मुफ्त चश्मा शिविर का आयोजन किया है। यहाँ पर गरीब लोगों को और विधवाएं औरतों को क्या नाम मुफ्त चश्मा और जितना मोतिया बिंदु है उनका फ्री ऑपरेशन हम कराने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और यह प्रोग्राम हमारा एक महीने से चालू है, और यह प्रोग्राम हमारा एक महीने तक चलता रहेगा, क्योंकि जब तक पूरे वार्ड में ये लोगों को सुविधा नहीं मिल जाती है। अभी लगभग कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है? अभी इसके पहले क्या नाम जो हमने प्रोग्राम एक हफ्ता पहले किया था, उसके अंदर 300 लोगों ने किया था, सिंह स्टेयर रोड नंबर 0, 2, 3, 4, 5 तक। और आज आदाजवाड़े में जो चालू है, अभी तक मुझे लगता है कि 150-200 तक पहुंच गया है। 2 बजे तक हमारा टारगेट है कि 400 से 500 तक लोग हम लोग इसको करेंगे। इस दौरान दामोनगर में रहने वाले मुकेश दीक्षित ने भी सुभाष यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि किस तरह से सुभाष यादव लगातार कांग्रेस के लिए एक अच्छा काम करते रहते हैं, समाज के लिए एक अच्छा काम करते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से बरसात के मौके पर उन्होंने मुफ्त आंखों की जांच और मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया है। यह काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार वह अपने विधानसभा में और अपने वार्ड में ऐसे कई कार्यक्रम करते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को साड़ी वाटप किया, मिठाई वाटप किया, वह अपने आप में दिलचस्प रहा। ऐसे में सुभाष यादव की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मुकेश दीक्षित ने खुद जो है अपनी आंखों की जांच करवाई, और उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी लंबे समय से आंखों की
रोशनी में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने अब जांच करवा ली है और उन्हें एक जो है आंखों का ट्यूब भी दिया गया है, जो आंखों में डालने के बाद उनकी रोशनी जो है ठीक हो सकती है। इस तरह से लगातार लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। खास बात यह है कि सुभाष यादव लगातार दामूनगर और क्रांति नगर, लोखंडवाला और सिंह स्टेज जैसे हजारों रहवासियों के लिए एक जो है काम करते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बेहतर काम किया है, इसके लिए उन्होंने साधुवाद और धन्यवाद दिया है।